जिन पर ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, आप में से किसी भी लोग ने मुझे व्हाट्सअप नहीं किया है। ये सारे टॉपिक जो वास्तु वीक हम ले रहे हैं, जिसमें हम पर्दों की, फ्रिज की, घर की, ईशान कोण की, छत की सब बातें कर रहे हैं, ये सारे वीडियोस के बारे में आइडियाज मैंने खुद सोचे जब मैं एक दिन घर खाली बैठी थी और नीचे से ऊपर तक देख रही थी कि क्या क्या चीज़ हमारी जिंदगी के अंदर हमें महत्वपूर्ण लगती है और क्या महत्वपूर्ण है। तो घर को देखकर ना सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। किसी टैरो कार्ड रीडर राखी की जरूरत नहीं है, एस्ट्रोलॉजर राखी की जरूरत नहीं है। छत को देखती हूँ तो हमेशा सोचती हूँ कि छत की तरह हमेशा ऐसे शान से ऊंचा रहना चाहिए। दीवारों को देखती हूँ तो हमेशा ऐसा लगता है कि दीवारों की तरह खड़े धने रहना चाहिए, निडर होकर, घबराना नहीं चाहिए। घर की घड़ी को देखती हूँ तो हमेशा याद आता है राखी, चलते रहना चाहिए। घर की जमीन, फ्लोरिंग और धरती को देखती हूँ तो सहने की भावना, फ्रिज भी है, टीवी भी है, सोफा भी है, पलंग भी है, कितना सहती है धरती, ऐसी सहने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। आपका घर आपको हर सवाल का जवाब देता है ना। आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं, वो विषय आपके घर की छत, आपके घर के पंखे। आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि एक छत आपको कैसे कर्जदार बना सकती है। मैं हूँ डॉक्टर वायरा के और इस वक्त आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सलाहें देना बहुत आसान होता है, कोई भी आपको सलाह देगा, डॉक्टर वायरा की भी आपको सलाह देगी, लेकिन अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि उन सलाहों पर चलकर, मेहनत कर जिंदगी में आगे तो स्वयं आपको बढ़ना पड़ेगा। मैं नहीं पढ़ सकती, वो जज्बा, वो मेहनत, वो हिम्मत आप ही को दिखा। आज हम बात करेंगे घर की छत की, आज हम बात करें इंडिविजुअल हाउसेस की, आज मैं बात कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका में रहने वाले लोगों की। अगर आपके घर पर भी छत है, क्योंकि यूजली वहां पर लोग ऐसे घरों में रहते हैं जहां छत होती है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में, क्योंकि हमारी पाश्चात्य संस्कृति ना यहाँ से उठकर जो पाश्चात्य संस्कृति में चली गई, भारतीय सभ्यता संस्कृति वहां ज्यादा है। वहां आज भी इंडिविजुअल हाउसेस हैं, कनाडा, दुबई, आप कहीं भी चले जाइए। ये वीडियो दिल्ली में रहने वाले और बॉम्बे में रहने वाले लोगों के लिए भी है, क्योंकि भले ही आप 26 फ्लोर के माले पर रहते हैं, एक बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ पे आपका घर सातवें फ्लोर पर है, पर दोस्त छत तो है ना, टॉप पर जाकर भी छत तो है ना। तो आपकी अपने घर की छत के प्रति क्या जिम्मेदारी है, आज मैं आपको बताऊंगी। अगर एक ही बिल्डिंग के अंदर फर्स्ट फ्लोर पर एक फ्रेंड रहती है, सेवन्थ फ्लोर पर एक फ्रेंड रहती है, फिफ्थ फ्लोर पर एक फ्रेंड रहती है, और वो सारी फ्रेंड्स मिलकर मेरी इस वीडियो को देख ले और अगर ये अमल करें कि राखी जी जो कह रही है हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, ये चेंजेस हम लाएंगे, तो अपना ही नहीं बहुत लोगों का भला कर लोगे आप। वो कहते हैं ना, करता है तू बाबू श्याम, मेरा नाम हो रहा है, तेरे ही वास्ते मेरे सारे काम हो रहे हैं। करने वाला ईश्वर है, करेंगी आप और भला सबका हो जाएगा, और सबके भले में तो अपना भला है, क्यों ना हम सबका भला सोच कर चले। घर की छत पर कभी भी कबाड़, अखबार, लक्कड़ या ऐसी फालतू रद्दी या ऐसा कबाड़ नहीं होना चाहिए जिसका आपको कतई जरूरत या काम नहीं है। अगर ऐसा कबाड़, लकड़ी, लोहा, ऐसी चीजें छत पर पड़ी हुई हैं तो ऐसा घर का जो घर का मेन मुखिया है वो बीमारी से ग्रस्त होता चला जाएगा और उस पर कर्जा चढ़ता चला जाएगा। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि उसे पुलिस केस का भी सामना करना पड़े। तो घर की छत को हमेशा साफ करें। घर की छत पर मनी प्लांट और तुलसी का गमला रखा जा सकता है। घर की छत पर हमेशा एक झंडा लगाना चाहिए, वो हमारा तिरंगा भी हो सकता है और माँ दुर्गा का या हनुमान जी का झंडा भी हो सकता है। जो झंडा फटने से पहले समय समय पर बदलते रहना चाहिए। घर की छत पर कभी भी नौकर का कमरा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो नौकर आप पर हमेशा हावी रहेगा और चोरी करने के मूड में रहेगा। घर की छत पर जो कमरा हो उसे हमेशा साफ सफाई में रखें, उसमें आप एक स्टोर रूम की तरह स्टोर रखकर, लेकिन कबाड़ ना रखें, नियमित रूप से उसकी सफाई करते रहें, अत्यधिक जरूरी है। अपनी घर की छत पर जाकर महीने में एक बार उसकी धुलाई करना जरूरी है और उसके साथ साथ उस पर रंगोली बनाना जरूरी है, साफ सुथरा रखना जरूरी है, कुछ पेड़ पौधे रखना जरूरी है। लेकिन शम्मी का पौधा, नीम का पौधा और तुलसी का पौधा और मनी प्लांट, इसके सिवा आप सोचिए कि हम गुलाब का पौधा रख ले, हम पीपल का पौधा रख ले, हम बरगद का पौधा रख ले, अगर आपके घर की छत के ऊपर ये सब सामान रखा है तो आप कर्जे में तपते चले जाएंगे। घर का साफ होना जरूरी है। आज ही चेक करिए कि आपके घर की छत पर कबाड़ रखा हुआ है तो उसे साफ करने की और बेचने की जरूरत है, छत को धुलवाने की जरूरत है। अगर आप
अपार्टमेंट्स में भी रहते हैं तो 3-4 लोग मिलकर घर की छत पर जाइए और उसे साफ करवाइए और उस पर बदल बदल कर अलग अलग बार अलग अलग महीने में झंडा लगाइए। क्या 3rd फ्लोर वाली वर्मा आंटी लगा दें, फिर 4th फ्लोर वाली शर्मा आंटी लगा दें, फिर 5th फ्लोर वाली जो वर्मा आंटी या शर्मा आंटी, या आप कोई भी जात और धर्म के हैं, जैन आंटी हो या यल्ला प्रगणा हो, कोई भी हो, वो लगा दें। जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे मिलकर परिवार की तरह, जिस दिन आपके घर की छत साफ रहने लगेगी उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका रहते हैं तो मैं अपनी लंदन में एक आंटी हैं उनके घर जाती हूँ तो उनके घर की छत पर भी काफ़ी सामान पड़ा हुआ है जो काम नहीं आता, काटन के गत्ते ये सब चीज़ें वो छत पर रख देती हैं। मैंने उन्हें कई बार बोला आंटी ये गलत है, आप प्रॉब्लम्स में घिरते चले जा रहे हैं, बीमारियों में घिरते चले आ रहे हैं। उन्हें भी पीछे कैंसर भी हो गया था, फिर उनके कैंसर का इलाज हुआ, थैंक गॉड कि वो अब सही है। लेकिन अगर आप अपनी घर की छत को साफ नहीं करते और इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते तो फिर कोई भी ज्योतिषी उपाय कर लें, फिर कितने भी ज्योतिषी के पास घुस जाए या चले जाए या घूम कर आ जाए, आप अंत में यही कहेंगे कि सब लोग लूटते हैं। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आपका घर ही, आपके घर के पंखे, आपके घर का पर्दा ही आपके व्यक्तित्व को बनाता है। तो आज ही अपने घर की छत को साफ करें। उससे भी महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके घर का पंखा साफ करना। गर्मियों के दिन है, पंखे बड़े जल्दी खराब हो जाते हैं। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में एक तो हम लोग का माइंड सेट है सफाई का मतलब है दिवाली। अभी के अभी आप लोग इसी वक्त नजर ऊपर करिए और अपने घर के पंखे को देखिए, रोक कर देखिए, अभी तो पंखा चल रहा होगा, आपके घर के पंखे मैले कुचैले हैं, उन्हें चलते हुए आवाज आती है, अगर उन पंखों के अंदर धूल धड़ाका चढ़ा हुआ है तो होते होते काम भी आपके सारे रुक जाएंगे, बोझ से घिरे हुए रहेंगे, माइग्रेन और सर्वाइकल जैसी तकलीफें और पेन्स हमेशा आपको रहेंगी। खुश रहने की लाख कोशिश करने के बावजूद भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। तमाम तरह के बाजार में पंखे आ गए हैं। अगर आप अपना नया घर बना रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी घर के अंदर 4 पंखुड़ी वाला जो आजकल फैशन में पंखे चले हैं ना, वो पंखा नहीं होना चाहिए। पंखे में हमेशा सिर्फ 3 पंखुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि 3 का नंबर गुरु का नंबर होता है, 4 होते ही वो राहु का नंबर हो जाता है। जब उस पंखे की हवा में भी आप बैठेंगे ना तो आप परेशानी और डिप्रेशन में ही रहेंगे। तो चेक योर ऑल थिंग्स और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बात कर रहे हैं इस हफ्ते आपके घर की। ध्यान दीजिए अपने घर की छोटी छोटी बातों पर और घर को बना लीजिए स्वर्ग।